Back to Rotheo, huh? Haan, back to hotel. But in Thailand, it's very expensive. Okay. In India, you can get boom boom in hardly 100 baht. Really? Yeah. I want to go there. And boom boom, cheap pie, boom boom. Yeah, yeah. Here in Thailand, it's very expensive. Yeah, 2,500, huh? Yeah. Boom boom. Boom boom. You went to there, body massage. How much for a massage, like? Thai massage? Full body massage. 1 hour, maybe 150 or 300 baht. Body to body massage? No, I mean Thai massage. And what about the body to body massage? Body massage, boom boom, together. Oh, boom boom is complimentary. Yeah, complimentary. Sucking. Sucking, sucking. And shower. And shower. Yeah. Clean for your dick. ओ यार पीछे थाई बॉक्सिंग स्टेडियम गया अभी उसमें कुछ नहीं देखा जो भी बताओगा वो मैं मानेगा नहीं बिल्कुल भी नहीं 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 तुम्हें मेरी ऑथेंटिसिटी पे वो नहीं है क्या एक बोर्ड से देखा था मुझे बहुत छोटा सा यार यहाँ पे बॉक्सिंग बहुत फेमस है मुझे लग रहा है कि अगला बड़ा बॉक्सर मैं ही बन रहा है थाईलैंड का अभी देखिए चार आदमियों को आदमी नहीं मान रहे पूल में गिरते ही क्या नाम पूल की सफाई की बारी आ जाएगी होटल की इतना गा दूं पूल मैम ने तो निकाल दी अपनी कल बाथटब में नहीं मैं भी नहाया था रात दो बार कल बाथटब में डिटॉक्स हो गए ऐसा हो गया था कि होटल वाले आते निकालने इतनी देर पड़े रहे दो ढाई घंटे खालसी उचट गई थी तुम दोनों एक ही बाथटब में नहाए तुम तो खाला कर दिया था पानी भी दोनों भाई खत्म ही हो भैया था प्यार नहीं पानी भी वो कर दिया था वो अड़ा दी थी नाली बल्लो सड़ जा अक्षित तो अच्छा से यूं करके भी झगड़वावे मखा सारे सारी यही सब भाई के यार कुछ हाइजीन है ही नहीं है पर कोई नहीं चलो भाई देख मैं रचित तो ऐसा नहीं करते हम तो आराम से सो जा पड़ के साथ में लिपट रहे नंगे और ये सब हमें पसंद नहीं है ज्यादा करना इंडियन अवेलेबल है हमारा खाना हुआ 821 बात का कितना बैठा 1500 रुपए यार ज्यादा महंगा भी नहीं है मैं दो दाल और चार रोटी का एक रेस्टोरेंट इंडिया में भी ठीक ठाक ही लूट रहे ये बात तो मान लो दो ही तो सब्जी 600-700 रुपए का खाना है मुश्किल से नहीं 300 रुपए की दो सब्जी और रोटी लगा ले 700 रुपए की बस जितने रुपए की चीज हो ना वहाँ वो इतने बात के मिले और यहाँ पे होटल वालों की सर्विस इतनी अच्छी है ना यार सुबह एक घंटा डेंटल किट नहीं देना है मिस कम्युनिकेशन है थोड़ा सा क्योंकि लैंग्वेज भी समझ नहीं आती लेकिन लेकिन उसके बाद तुम समझ नहीं पा रहे दो बार देके गए वो दोबारा भी आया 400 पड़ी तू अप्रिशिएट क्यों नहीं करता आदमी को नहीं यार जिनने एक बार दिक्कत कर दी हॉस्पिटैलिटी तो एक बार की हो गए अब देख उसका कोई फायदा नहीं था इसमें वो ग्रैब से ऑर्डर करवाने आया क्योंकि हमने उससे इंडियन फूड मांग लिया था होटल में था नहीं तो ऐप से ऑर्डर करवा के गया वो कमीशन लिया किंग ने कमीशन तो हर आदमी ले रहा है इसमें तो कुछ नहीं करवा के गया इसमें तो नहीं लेना कमीशन लेकिन जब एक जगह कमीशन खोरी शुरू हो जाए तो आदमी भलाई में तो आवे ही है फिर करवा भी तो कम में दी टैक्सी बता लेकिन एक बात तो बता किंग को दोस्त किसने बनाया पहले तो किंग अच्छे है ना हम तो ये कह रहे नहीं पैसों के अच्छे क्या तो दोस्त भी तुमने फिर तो अच्छे दोस्त बनाएगा यार सामने का व्यू सी का रात में थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है सामने से अच्छा देख अरे पूल में मेरा फोन लाए बिजनेस स्ट्रेटजी यार बैठ रहे नहीं थे उसमें मेरा भी वो था मेरे में सिर्फ 98 अरे लाए भाई अपना बहुत राज है भाई इसको बता मेरा इधर यार सब कर लाए फिर यूं कहता फोन भूल गए तुझे नहीं मिलो तुम्हें मिला हमारा तो यूजुअली मतलब रूटीन में चलता रहता है ये सब तो हम तो ना ही लेंगे ना वी आर यूज्ड टू इट वी लिव इन अ सोसाइटी जिसमें पूल ही नहीं है लेकिन यहां ना हवा ऐसी चल रही है कि ठंड लगेगी बढ़ते ही पूल में इधर से 1.4 मीटर अरे इधर से ज्यादा गहरा गया भाई मेरी हाइट 1.4 मीटर से तो ज्यादा होनी चाहिए यार ओए लगा दो जब कहना एग्स गए पानी में तो जंगो पर लगा पानी समुद्र में ना जा पड़ी है कहना यार हम दिन मतलब अब तो खैर क्या ही उस बात के रिलेवेंस उधर बीच भी है यार बहुत बढ़िया दिखा दिखा बिना दिखाए ना बता मुझे मैंने सिनेमेटिकली रखे मैं डाल दूं ये मेरा वो कैटरीना वाला पोज ले लियो जब मैं से ऊपर आऊंगा निकल के ठीक है बिल्कुल वैसे ही यार आ गया मैं चमकी वैसे यार जब ऐसे निकलूंगा मछली उधर कौन बेटी है भैया एस्थेटिक लगना चाहिए मैं एक ले लो पानी में पानी एक कितना बढ़िया खड़ा बिना हाथ के अब पता लगाओ कैसे खड़ा और आ गया कोई प्लेटफॉर्म से नीचे मैं नीचे जा रहा लोही की रोड जा रहा है एक करवा रही कोई चीज पुशअप पुश दो रेगा कैसे स्टैंड था रेगा कच्चा निकाल दूंगा यहाँ पर ही तो कर दूंगा रेगा लिफ्ट में नंगा जा रहा है लक्ष्य को भी गरम गरम महसूस होगा अभी एक वो जा रही क्या गरम गरम स्टील की रोड अंदर नहीं अभी देखिए एकदम एकदम
एकदम वो होगा यहाँ पे थाईलैंड में एक वो अर्थक्वेक यार बीच पर मैं यूं नहीं जा रहा, अगले दो दिन बीच ही बीच है फिर सोया 3 बजे तक साला बंदे मार रहा हूँ अभी देखियो एक लड़का तुम अभी तक बन के देखिए मैं बताऊँ यहाँ बहुत लोग ना रहे थे 2 दिन से कोई अल्लाह नहीं तार रहा था हमने खाई 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 कर रखी है और जिन लोगों ने महंगे रूम ले रखे उन्हें परेशान कर रहे गांव से बड़े शहर में 200 रुपए वाले रूम में रह गए 20,000 वालों को परेशान कर रखे यहाँ पे जो एक्सपेंसिव रूम्स है उनकी बालकनी में उन्हें एक पूल दिया हुआ और जो वे हैं बिल्कुल सस्ते रूम टुच्चे वे यही ना उनको सारे तुम्हारी कोई प्राइवेसी नहीं मुझे क्या मैं तो एक मछली हूँ भाई फनी गरम तो लड़के को कुछ और लगे यार यहाँ तो रहने कुछ और ही है खुला कल्चर है यहाँ तो थाईलैंड है क्या हाँ इंडिया है मेरे लिए तो लैंड कहीं हो रहा है मेरा मेरा लैंड तो नीचे चप्पल की चोरी तो सबसे पहली बस तू तो बिल्कुल उसकी तरह बांध ली तूने धोते की तरह धो लिया अब नीचे कुछ है तो नहीं क्या करूं किंग्स तो अपना कल से बात रोब छोड़ ही नहीं रहे कल रात मैं और अक्षित इतने थक रहे कि बात रोब को भी एप्रन बता रहे थे हम कोई नहीं यार मैं कुछ भी बोल दूं पर है तो जो भी है मैं तो अपना लाया था मेरा तो रे चुरा गया अरे उसकी होने वाली फिर बंद करने की टाई सी सही हुआ कर्मा फिर जा रहा अपने खुले में ही चादर से उड़ा जा रहा है कच्चे हाथ में लिए जा रहे हैं लोग तमीज नहीं है खाना आया नहीं गया यार खाना तो खाना ऑर्डर करके तो ना आया 1 घंटा बात रोब पीपल हाँ डोसा ये है मामला तो ना 24 घंटे चुकन ऊपर का बनियान भी ऐसे ही पहन रखा है और बदतमीजी करके चलना यहाँ बता दे किसी तालिया मुझे फंड नगर से किसी तालिया ये वाला बाथरूम ढाका लेके गया था तो इसकी यह सुतनी सी यही छोड़ गया बहुत ढाका का कोई काम ऐसा क्यों नहीं है हाँ प्योर है पूरा है मजा आ गया भाई थैंक यू पनीर हल्का सा तो पनीर सा है यार पनीर अच्छा है दाल देखे हैं अभी वो देखे हैं 19 नवंबर रात के 1:30 बजे हमारी कैब आ गई है नीचे हमें निकलना है बैंकॉक एयरपोर्ट के लिए वहां से हम लोग जाएंगे कराबी फ्लाइट वैसे सुबह 7 बजे की है पर हम अभी निकल रहे हैं क्योंकि फटाफट सब बोर्डिंग वोर्डिंग कर लें कोई टेंशन नहीं अपना वहीं पर ही सो लेंगे अगर सोना है 1-2 घंटे ये चप्पल यहीं छोड़ रहे हैं यार वैसे ही बैग में वेट थोड़ा ज्यादा हो रहा है लिमिट से और भी कुछ सामान एयरपोर्ट पे निकालना पड़ सकता है पटाया से फुके के लिए निकल रहे कहाँ के लिए बैंकॉक एयरपोर्ट बैंकॉक से कहाँ जाओगे कराबी दिल्ली चल रहे सीधा अपना मास्क खा ले हर से तू मुझे एयरपोर्ट पे दिख रहा भागता शपथ करता दिख रहा 250 बात का खरीदता हुआ दिख रहा नो मास्क यार हम लोग पटाया से जा तो रहे लेकिन यहाँ इतना मन लग रहा था ना कि बिल्कुल इच्छा है नहीं शहर को छोड़ के जाने की देखो भाई इस शहर को देंगे हम 10 में से बिल्कुल 9 नंबर एक नंबर किस चीज का कटा भाई 10 में 10 में बिल्कुल उसे ही दूंगा जन्नत को जाऊं मुझे पहाड़ों में वो दिखेगा ना बिल्कुल यार 10 में से 10 ही यहां कहीं मैं जगह तो हम कह रहे थे कि हाँ यहाँ पे हमने जो सिम ली है ना 5G नेटवर्क है और तो मैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा डैम किंग पूरी 100 Mbps आ रही भाई 100 नहीं अभी हमने पीछे ट्राई करा था ना तो 300 आ रही थी हमारे वाईफाई की 100-150 आवे यार सिम की तो 40 के करीब है शायद वो भी मेन लोकेशन 161 है 161 रात को 2 बजे एयरपोर्ट पे और ये बुकिंग हमने बहुत ही ज्यादा इमीडिएट की थी क्योंकि हम पहले सोच रहे थे कि ये आसपास ही है लेकिन जब हमने देखा कि पताया से कराबी 12 घंटे का सफर है जो कि गाड़ी से 12-13 घंटे 10,000 बात मतलब 21 भी नहीं 25,000 रुपए हमारे तो और बस से सस्ता था लेकिन बस से 2 दिन लगते तो हमने इमीडिएटली फ्लाइट बुक की जो कि हमें टैक्स वैक्स लग के 17,000 की पड़ी 1 घंटा लगेगा लेकिन हम जल्दी इसलिए आ गए क्योंकि थोड़ा ऐसा हो सके कि कॉम्प्लिकेटेड हो प्रोसीजर बात ये भी तो थी ना कि अगर हम रात में सो जाते हाँ तो दिक्कत रिस्क ही लगे फिर यार वो सोना रिस्क ही हो जाए उठना पाते यहाँ पे एक रिस्क वेट का है कि जो हमारे पास लगेज है हाँ, वो 7 किलो से जब टाइम होना चाहिए और टाइम होगा तो उसे सॉर्ट कर भी लेंगे तुरंत तो होने का नहीं सेल्फ ड्राइविंग कोचा मशीन ज्यादा जल्दी बोलता नहीं मैं लेकिन अगर हमें स्मूथ चेक इन हो गया ना तो मैं ये कह रहा कि यहाँ पे फ्लाइट की सब बहुत बुराई कर रहे थे ये वेजेट इंडिया करके बट यार उन्होंने क्लोज्ड काउंटर में भी हमारी हेल्प कर दी मतलब क्लोज्ड काउंटर में भी बिना लाइन में लगे उस बंदे ने हमारे बैग पे टैग लगा दिया लाइन दिखा दे कितनी लाइन लंबी है और ये पूरी लाइन स्किप कर गए थे और हम इधर से करवाए बिल्कुल क्लोज इस काउंटर पे चले गए थे हम ये क्लोज्ड है और जबकि पूरी लाइन स्किप करके गए थे हमें बैग का वेट का इंक्वायरी करनी थी उन्होंने ये कह दिया कि हम टैग लगा दे जाओ आप एंट्री कर लो सीधा यही है अगर तुम वहाँ के हिसाब से राजस्थान के हिसाब से लोग हो गए और फिर थाईलैंड के हिसाब को कम्पेयर करें ना बिल्कुल अपोजिट है और ये लोग हेल्प करने के लिए पता क्या कह रहा था टैक्सी वाला भी टैक्सी वाले सर गिव मी योर नंबर इफ आई हैव लेफ्ट समथिंग मैं आपसे वापस ले लूंगा तो
वगैरह. नो नो आई विल रिटर्न यू माई सेल्फ, आई एम नॉट अ बैड मैन. तेरे वाला बैग नहीं दे गया था वो. इसका बैग ले गया था तो वापस आया था. वापस आ गया था. बढ़िया लोग हैं, आदमी बहुत प्यारे. अबे इतना क्यों हंस रहा? टांग ठाके देख क्या फंस रहा. देखिए इसकी टांग ठाके क्या बस रहा. एक इसे देख लो. तन्ने सिम नहीं खरीदा अब तक? तू गया तो था. तुमने दिलवाया नहीं ना. तू गया तो था दुकान में? खरीदा नहीं. एयरपोर्ट के वाईफाई से. पर यहाँ यार ना कन्फेक्शनरी नु ना नु पप्पू जनरल स्टोर कुलदीप कन्फेक्शनरी की तो दुकान ही नहीं बैठी दुकान में उसमें ही मजा. लोकल जब तक लोकल गुप्ता जी की कन्फेक्शनरी शॉप ना हो तो क्या मजा. यहाँ पे 7-Eleven है ज्यादातर जगह. 7-Eleven मतलब ऐसे भी है की एक एक गली बाद कोने कोने में भी सेम गली के दोनों कोने पर भी है ना. की जैसे यूएस में कुछ मीटर पे ही वॉलमार्ट्स हैं तो यहाँ पे 7-Eleven है. मेरी मौसी रहती है यार यूएस में. मैं एक और चीज है जो यहाँ पता चली है कि यहाँ पे ना सेम सिटी टूरिस्ट के लिए अलग बना रखी. ठीक है, पताया जो था ना, पताया भी दो है. पताया था पताया पताया नोए कुछ ऐसा है. पताया दूसरे वाला बता रहा हूँ एन से, वो टूरिस्ट के लिए है पूरा होटल वोटल. और जहाँ पे पताया बीच है और एक जो पताया थाई है वो लोगों के रहने के लिए. टूरिस्ट स्पॉट का सबसे खास बात ही हो रहा है वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह ना, तो वहाँ सब कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव रखे हैं टूरिस्ट के हिसाब से. थाईलैंड कंट्री बहुत सस्ती है रहने के हिसाब से, बट टूरिस्ट के हिसाब से तो यार हर कुछ ही महंगा. अगर तुम देखने जाओ तो होटल्स इंडिया के हिसाब से बहुत सस्ते हैं. मतलब जो पानी वानी बाहर हमें 10 baht का दे रहे थे वो एयरपोर्ट पर 15 baht का. मतलब और अगर तुम इंडिया में देखे तो एयरपोर्ट पर जी 200-300% है, 10 guna है. सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल सेम रेट पे है वहाँ पे. ये अगर बाहर 40 की मिल रही ना, अंदर 120 की 140 की मिले. पानी बाहर 20 का तो 100 का मिले. 100 का मिलेगा यहाँ सेम रेट है. तो इसका मतलब सिटी में ही महंगा थोड़ा, लेकिन ये है भाई. चुपचाप घूम रहा इसे तारी दे 7 kilo पैसे फालतू ले रहा भागा जावे कभी इधर से उधर उधर से. मोटिव नहीं पता लगा, लगा नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे क्या है. फिर बाद में पता लगा मिस्ट्री था उस लड़के का नाम लक्ष्य मिस्ट्री चौधरी. मिस्ट्री नहीं, मिस्त्री. हमारे स्कूल में ताली बजानी थी. हमारे यहाँ पे बजे थी. अरे यहाँ तुम्हारे ताली कहाँ बजाओ? अलग तरह की ताली बजाई. इनके स्कूल का माहौल इतना खराब था. हमारे यहाँ तो क्लैपिंग होती, इनके यहाँ चीक्स क्लैपिंग होती. हमारे स्कूल में तो बट क्लैपिंग होगी. बहुत मॉडर्न स्कूल था हमारा. अच्छा। मतलब स्कर्ट भी अबव द नी ही अलाउड थी, उससे नीचे तो बाहर निकाल दिया गए थे. और बाल जो बांध के आ गया उस पर बजा गया था. अच्छा तुम भी सेम स्कूल में थे, लेकिन तुम्हारा वो था यार अंडर प्रिविलेज कोट अलग रख. अलग क्लास में बैठते थे तुम. एक वो थी हमारे वाली क्लास समझ, एसी वाली, उसमें वही हो गया था. वो लड़कियां वो भी लेके आया गए थी वो फुटबॉल मैच वो होस्ट करने के लिए. भाई इमेजिनेशन में एक अच्छा बचपन जी रखा. तू वो लड़का है क्या जाल पे बैठ के पढ़ा कर रहा था? अलग बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा भाई. वही पंच लाइन मार के एक और मिस्ट्री निकाल रहा. तसला निकाल एक सेशन चलेगा ऊद सेशन. अरे यार चुदी हो गया ऊद की मिस्ट्री मैन का पावर बैंक तोड़ दिया. इंटीग्री मिस्ट्री मैन का पावर बैंक टूट गया. मिस्ट्री मैन इनविजिबल हो जाएगा. कर दी ऑस्ट अड्डे सब इस बेल्ट से पलट के भी बड्डी. ओ भाई तो यार चलेगा पायलट की आंख पलट गया. प्याज सी है लहसुन में से कट के आवे ये थोड़ा सा मुझे भी यार देख बक्सित तू ही बैठी है मेरे बराबर में. ना ना तुम तो साथ बैठे मेरे ऊपर बैठी है पायलट की जगह. यार पायलट कैंडल पकड़ के ऐसा नहीं होता भाई. इसका हैंडल लीवर हो गया, हैंडल बता भाई. तन्ना चला ही तू वाली बाइक कर गया था तीन एक को गाड़ी तो चलानी अच्छी नहीं. खत्म है तू वो खेल रहा आज कल. हां फ्लाइट सिमुलेटर थाईलैंड घूम चुका उसने 3 दिन. कौन भाई इतने मार दूंगा बेहोशी हालत में हो जाएगा. दो दवाई लेनी पड़ेगी. फ्री एंट्री 2 plane पे ऐसा हुआ है अपनी नई वीडियो लेवल वो ला दिया प्लेन बारे. अच्छा अगर हमारे दोनों में बीफ हुआ, हम सारे में बीफ हो गया तो मैं जीत जाऊंगा. सुन तो ले तुम्हें क्या लगे यूट्यूब में वीडियो का हो गया रोस्ट का. हाँ. तुम्हें खतरा तो रहेगा ही मेरे से. देख एक काम करूंगा मैं तुझे इस पर रख दूंगा. साथ में राइटिंग में विकांशु इस टाइम मेरे साथ. और तुम अकेले अकेले बना रहे मीम्स कितने. पीछे 100 लोगों की टीम लगा रखी कहाँ है पीछे. इतना चाह गया तुझे 100 लोगों की टीम बढ़ा दे दिया. अपने पीछे आ गया तेरे पीछे लगे. मेरे लोग हैं वे तेरे पीछे लग रहे. तेरे इतने लोग हैं क्या? लुगाई है कि नहीं? लोग इतने रखे हैं तू. लुगाई नहीं लोग ही हैं. देख क्योंकि लोग पसंद है तुझे.
लुगाई से ज्यादा पढ़ा दिए देखे पता विकांश भी इसी ले आया साथ में छोटा सा कमरा भर गया भर तो मुंह धूम रही चिन्नी को अम्मा वीडियो आने से पहले सुन तो ले बात तो सुन ले तेरी तो सुन ली हमने इसी स्टूल पे मारो ऊंचे वाले पर रखे पावे नहीं आने की जमीन आप तय भी रहेगा बैठ के डागा डागा बैठने का ट्राई करेगा आने के नहीं पैर बता दिए इसमें उंगली देगा पूरे खानदान की करंट मार दो तुम्हारे जिस आदमी के माथे पे फुंसी है उसको सुनते नहीं अरे बोल कुछ भाई चुप क्यों हो गया अच्छा मैं सुनना हम सब क्या है तुकवा दो भाई तुक दे मेरा दिन अलग अलग है भाई क्या भाई नहीं भाई ट्रेनिंग लेगा आज तेरे चैनल पे कितनी वीडियोस है क्या तेरे चैनल पे कितनी वीडियोस है क्या ले तूने बता इसके पास 1600 है ब्लैक अच्छा खाली इसके पे पंचलाइन कहां है भाई मैं वेट कर रहा हूं काट दे मैं अभी भी वेट कर रहा हूं पंचलाइन का वेट करता रहेगा तो एक बार चैनल तो ढूंढ के दिखा तू वेट ही करता रहेगा पंचलाइन नहीं आने के लेकिन पंच आ जाएगा ये तो बेकार वाला था ये तो चौथी वाला था ये तो पद्दी स्कोर बता रहा 10 और 8 चल रहा मिट्टी भी तो 8 किस है हमारा 6 में हम बता रहे शाउट आउट सारा इंस्टाग्राम बड़े अकाउंट से शाउट आउट सी तो तूने खुद कह दिया बड़ा अकाउंट मेरा चलो 20-8 हो गया बड़ा है लेकिन जो चीज बड़ी होनी चाहिए वो छोटी है तुम्हारी 11-10 हाई फाइव बढ़ गया ले हाई फाइव नहीं दिया कट गया वहां 5 नंबर कटे अरे ये वाला नहीं वो स्पाइडरमैन वाला फिर भी सुहास लो पूरे दिन नहीं बोलते पूरे दिन चुप बैठे रहे हर सुबह के 5 बजे एयरपोर्ट पकड़ दो उतार रखे नहीं नहीं दिक्कत दे रहा हूं मैं बहुत तो यहाँ पे बर्गर किंग कुछ ऐसा है कि इसमें जितने बर्गर है ना सब में बीफ है गायें बनी हुई सबके सामने इनमें भी बीफ है ये सब में गायें बनी हुई देखो सिर्फ एक बर्गर है जो 100% प्लांट बेस्ड है जो 100% वेज भी है उस पर भी क्या लिखा पैटी मेड फ्रॉम प्लांट टेस्ट लाइक मीट चाहिए टेस्ट मीट का ही भाई प्लांट बेस्ड हो तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है किसी अक्षित जैसे प्योर वेज को खाना खिलाना ये 2 दिन तो बेचारा भुक्का ही रहा हमें किसी ने बताया कि एप्पल पाई जो है ना बस ये है प्योर वेज है क्योंकि इसके अंदर कॉर्न है लेकिन यार बात ये है ना कि स्टाफ तो सेम ही है अगर आप इतने ज्यादा वेज हो तो आप वो भी नहीं खाने के बट कोई नहीं इतना तो कहना माफ कर देगा ऊपर वाला ऐसी बात तो जी मरवा देगी फ्रेंच फ्राइज खा लो कहने का मतलब क्या दे दिया ये ऑर्डर नंबर है आपका 39 ये बच जाएगा शायद जब आपका ऑर्डर आ जाएगा तो अपने आप वाइब्रेट करेगा हो गए हम बोर्ड ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं वे एयरजेट है दो तरह की फ्लाइट चलाया सबसे ज्यादा